ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। ये संभल का एशियन हसीना बेगम एल्टो अस्पताल है, जहां अंश सिंह ने अपने पिता राजेश सिंह और माता निशा सिंह को करीब चार दिन पहले कोरोना के इलाज के लिए भर्ती कराया था। लेकिन अंश सिंह का आरोप है कि अस्पताल में उसके माता पिता के साथ डॉक्टर्स और स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिसके कारण उनकी शनिवार को मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 का बिल भरने की मांग करने लगा। मैंने अपने माता पिता को यहाँ को 19 तारीख को भर्ती करवाया था यहाँ पे डायरेक्ट, तो उन्होंने क्या कहते हैं कि वो भर्ती कर लिया और एक को ICU में और एक को वार्ड में रख दिया, और ये भी नहीं पता कौन से उसमें रखा। तो मैं उसके बाद मेरी मदर को 3 दिन कोई ख्याल नहीं रखा गया, स्टाफ भी नहीं आया, ना दवाई लगाने आ रहा है कोई, मैं दवाई ला ना खाना देने आया। उसके बाद 3rd दिन क्या कहते हैं मेरे मम्मी बाथरूम में गिर गई होंगी 2-3 बार, ये भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा, उसका कहीं शिफ्ट कर दिया, मुझे बेड नंबर भी नहीं बताया। क्या कहते हैं क्या हो रहा है, कंप्लेंट वगैरह करी तो थोड़ा जाके कल स्टाफ कोविड था तो भर्ती किया गया था। उसका दवाइयाँ, फादर की भी दवाइयाँ नहीं चल रही थी ICU में, एक एक दिन स्किप हो जाता था पूरा। और उसके बाद क्या कहते हैं अब जाके जहाँ अब डेथ हो, पापा को इन्होंने डिस्चार्ज कर लिया, साइन करवा लिया पेपर पे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ होता पापा को प्रॉब्लम हुई। पापा सुबह आए तो सुबह पापा बहुत देखते, भैया आया भैया चिल्लाते थे, डॉक्टर ही नहीं था। तो उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दिया कि शिफ्ट दूसरे हॉस्पिटल की वहाँ चले, और रेफर यहाँ पर ही एक्सपायर हो गए थे वो, क्योंकि मिलना नहीं था। डॉक्टर अब मैं अब बॉडी लेने की बात हुई तो कहने पहले बिलिंग करा के लाओ, फिर उसके बाद बॉडी मिलेगी आपको, 1,35,000 रुपये का बिलिंग बैठाइए, जिसमें कोई केयर नहीं हुई ना कुछ हुई है। और चाची तो वो बाथरूम में उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा, नानी हमें ये बताया कि कैसे एडमिट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में कर रहे हैं, ना ही प्राइवेट में ना ही किसी में, अपने आप ही इन्होंने एडमिट कर लिया। उसके बाद चाची 2-3 बार गिर भी चुकी बाथरूम में, बट कोई उठाने वाले नहीं थे, शिफ्ट कर देते हैं, कभी ICU में शिफ्ट कर देते हैं, बिना बताए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। 1-3 दिन से कोई नहीं आया, ना उनको पानी दिया गया है ना, और जो मेडिसिन होती है वो ये दे जाता है, उनका बच्चा आके दे के जाता है तो ही उनको मेडिसिन मिल रही है, वरना वो भी नहीं मिल रही। कोई एक बंदा भी नहीं होता देखने के लिए कि क्या चल रहा है। और चाचा को कल इन्होंने ज़बरदस्ती लिखवा के भेज दिया था कि जो भी कुछ होता है घर ले जाते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ऐसा कुछ था नहीं, तो चाचा को घर से कर दे रहे। और सुबह ये हम सुबह ही सुबह लेके आ गए थे इनको, बट 2 घंटे से भैया चिल्लाता रहा, हॉस्पिटल में एक बंदा भी नहीं था जो उनको ऑक्सीजन दे दे या कुछ दे दे। और फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, और उसके बाद डेड यहीं हो गए थे वो, बट उनको वहाँ पे भेज दिया कि वहाँ पे हुए हैं। अंश ने स्थिति को देखते हुए मीडिया की मदद मांगी, तो आखिर में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अंश को उसके माता पिता के शवों को सौंप दिया गया। इस मामले में नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज का कहना है कि दरअसल इस अस्पताल को 75% बेड पर अधिकृत COVID-19 पर किया गया है, 25% बेड प्राइवेट तौर पर हैं। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट भर्ती होता है तो उसको पैसे देने होंगे, और अगर वो सरकार की तरफ से रेफर होकर जाता है तो उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा। नहीं, इस तरीके का हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया, ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा, और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने में पता चला कि ये प्राइवेट तौर पर ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंड ओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया, ऐसा कोई अब इशू बचा नहीं है। लेकिन सर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि प्राइवेट में भर्ती हुए थे वो, जी मीडिया के हस्तक्षेप के बाद तो उन्हें ऐसे ही क्यों सौंप गया परिजनों को? नहीं, सब तो नॉर्मल, वो तो पहले ही इशू रिजॉल्व हो चुका था, ये मीडिया वाले लोग हो सकता है कि बाद में पहुंचे हों, ये मामला तो सुबह 8:30 बजे संज्ञान में आ गया था और उसी टाइम पर इशू रिजॉल्व हो गया। ये नहीं, हमारे पास शव ड्राइवर की बाइट है, 12:30 बज रहे हैं लेकिन अभी तक शव नहीं मिला, उसका बांध तो अंदर था, शव ड्राइवर बाहर था, 9 बजे से चालक वहां मौजूद था लेकिन उसका शव नहीं दिए गए। तो ये हमारे संज्ञान में नहीं है, इस चीज को दिखवा लेते हैं कि क्या मामला था।
लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि अगर मरीज को अस्पताल में प्राइवेट भर्ती किया था तो मीडिया में मामले आने के बाद शव को बिना बिल दिए ही क्यों सौंप दिया गया। एशियन हसीना बेगम अस्पताल को L2 अस्पताल कोविड मरीजों के लिए अधिकृत किया गया है, उसके बाद भी इस तरह की खबरें सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती हैं। ग्लोबल टुडे के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।